है क्योंकि ये भी रिपेयर डोर्स हैं, रस्टेड नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसके ओरिजिनल मोल्ड जो लोअर, क्या चीखे मारता होगा ये, वरना इसको काट के ऑल्टर करना पड़ता है उसूली तौर पर। ये हब बॉल में से निकला है जबकि एक्चुअली ग्रीस होनी चाहिए साथ, अंदर बॉल के अंदर से हाथ घुमा ग्रीस जो थोड़ी बहुत ही बची कुची है, देखा टेक्निकली ग्रीस होनी चाहिए लेकिन फिल्ड विद द वाटर। ये वो टिपिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से फेलियर्स आते हैं हब्स के, सील्स के और एक्सल, क्योंकि अंदर से एक्सल भी निकला हुआ है तो ये बेसिकली सीएल ड्रेन होना चाहिए था अंदर से, लेकिन वो सीएल के बजाय पानी ही पानी ड्रेन हो रहा है पूरा। फ्रेम को भी एंटी रस्ट करेंगे और साथ साथ ये फाइव डोर का ही पुराना LJ78 असद वाले प्रोजेक्ट का ही ये पुराना सामान है, तो टॉर्शन बार्स तो चेंज होनी है, वो तो नहीं आएंगी, लेकिन जो बाकी स्टेयरिंग रॉड्स हैं इनको पेंट करेंगे, बैलेंस बार्स जो हैं ये भी पेंट होंगी, शाफ्ट इसकी ये 4x4 वाली चेंज करेंगे क्योंकि ये भी जो 2LT जो 2.4 लीटर वाले की होती है जिसमें ओरिजिनल इंजन आता है, ये उसकी शाफ्ट है छोटी वाली 4x4। रियर शाफ्ट ये ऑलरेडी ये आप देखें कट एंड वेल्ड, ये वेल्ड होके लंबी हुई है शार्प, ये हम शार्प जो है अभी ये क्लाइंट से डिस्कस करेंगे इसको भी क्या करें, लेकिन मीनवाइल हम इस रियर ड्राइव शाफ्ट को जस्ट इन केस पेंट करवा देंगे कि अगर क्लाइंट ऑथराइज नहीं करते तो फिर हम इन दैट केस सिर्फ इसका रियर क्रॉस फ्रंट चेरी गुल्ला जिसको कहते हैं फ्रंट क्रॉस और रियर क्रॉस ये हम दोनों चीज़ें चेंज कर लेंगे। ये सब छोड़, अब ये इमेजिन दिस लिस्ट ऑफ परचेज, ये वी आर डीलिंग विद अबाउट ओवर 100 मैकेनिकल स्पेयर पार्ट्स जो कि गाड़ी को रिस्टोर करने का कोर एसेंस कंप्लीट करती है, जो कोर मतलब बिल्कुल कोर एसेंस है वो एवरीथिंग काउंट्स, हर चीज़ उसको कंट्रीब्यूट करती है। अभी आपने देखा होगा LJ ये प्रोजेक्ट असद जो है LJ78 फाइव डोर, इसका हम लोगों ने फ्रंट हब डिसमेंटल किया था, मत पूछे अंदर से जो वो निकला है वो स्लज भी नहीं था, मतलब वो ग्रीस भी नहीं गई भी, ये कभी ना कभी गाड़ी फ्लड को एक्सपोज हुई होगी, फ्लड में चली होगी कभी ना कभी, तभी ये पानी भर गया होगा और उसके बाद कभी चेंज नहीं किया होगा। अभी तो हम लकीली उसके डिफरेंशियल चेंज करेंगे, वो 2.4 वाले हैं 2LT वाले, अब तो उसको चेंज करें 1KZ वाले लगाने के लिए, लेकिन अगर वो 2LT वाले करने होते तो हमें अभी वो भी चेंज करना था क्योंकि अगर हम उनको खोलें तबाही होगी अंदर। एंटी रस्ट करना शुरू हो गया है साथ, इसके ऊपर एक बेसिक सा कोट डाल रहे ताकि जरा जितने ऐप शायब हैं वो सारे पर सामने आ जाएंगे, अगर कोई और रस्ट रिपेयर किसी चीज़ की ज़रूरत अगर वो सब फिर इंस्टेंटली फौरन कंप्लीट हो सकता है। कभी कभी जो सरफेस रस्ट है या ऐसे जैसे ये जो पेंट डैमेज हुआ हुआ है इसके पीछे कभी कोई फ्लॉज कोई बैंड चीज़ें छुप जाती हैं, तो एक जैसी एक एक पहला कोट पड़ जाए तो इस तरह के फ्लॉज कोई भी हिडन एलिमेंट होता है वो सब फौरन सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। रजा कैसा है भाई, तभी सुना बैठे तो अभी फ्रेम पे टॉप एंड एक रफ स्प्रे मारा है आज ने, बिल्कुल ही माइन्यूट सा, अब फ्रेम को अपसाइड डाउन कर रहा है, ओ मट्टी भी गिर रही है अभी भी आयाज देख रहे हैं अंदर अभी भी मट्टी घुसी हुई है यार, भी ऐसी ही अब ये ऐसी चीजें होती हैं छोटी छोटी जो के गुस्सा भी दिलाती हैं और मार भी देती हैं।
कहाँ जा रहे हो तुम अपनी कान लेके? क्या बना शाहिद भाई से 2J को करवा यार, उधर उनसे टाई अप करके रख आज जरूरी। अब ये अंडर साइड से भी एक कोट अभी अभी हो जाएगा इसको, फिर उसके बाद जिंदगी लेके आगे बढ़ेंगे। उड़ा दिया यार नीचे वाले कोर्ट का, अंडर साइड को भी। इंग्लैंड में नहीं उल्टा फिर कर दो।